वेलकम टू यूनिग्राम स्कूल। इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कैसे आप लोग फ्री में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इसमें हम लोग 5 कीवर्ड रिसर्च टूल यूज करने वाले हैं जो कि फ्री में है। ये 5 कीवर्ड रिसर्च टूल के मदद से हम लोग आपको बताएंगे कैसे आप लोग फ्री में जस्ट बेसिक कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, कि फ्री में आप लोग डीप कीवर्ड रिसर्च नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक कीवर्ड रिसर्च आप लोग इजीली कर सकते हो। अगर आपको प्रोफेशनल ब्लॉगर बनना है तो आपको पेड कीवर्ड रिसर्च टूल आपको परचेस करना ही पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर में फ्री में जो चीज होता है वही हम लोग आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप लोग फ्री में टूल को यूज करोगे और कैसे कीवर्ड रिसर्च को करोगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला वाला जो टूल है वो हम लोग यहाँ पर कीवर्ड टूल .ai जो वेबसाइट है इसको मैंने यूज करूंगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग गूगल के लिए यूज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यूट्यूब, बिंग, यहाँ पर अमेजोन, बहुत सारा जो सोशल नेटवर्क है उसके मदद से आप लोग यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। गूगल टेंट के जरिए भी आप लोग यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग गूगल के जरिए यहाँ पर करेंगे, और कौन सा चीज के लिए हम लोग करेंगे, सॉन्ग लिरिक्स। अगर आप लोग एक लिरिक्स वेबसाइट क्रिएट करते हो तो लिरिक्स वेबसाइट के अंदर बहुत सारा विजिटर आता है, तो अगर आप लोग लिरिक्स वेबसाइट बनाते हो तो उसमें बहुत सारा ट्रैफिक आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग माइक्रोनिक्स जो कीवर्ड है वो होता है, जैसे कि हिंदी लिरिक्स या पर गाने का लिरिक्स, गाने का नाम लेकर लिरिक्स सर्च करते हैं लोगों ने, उस गाने का लिरिक्स अगर आपका वेबसाइट के अंदर है तो उसमें से आपको ट्रैफिक मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ यहाँ पर सॉन्ग लिरिक्स लिखकर, और यहाँ पर हम लोग वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इंडिया भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कंट्री, तो हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों को सारा कंट्री से ट्रैफिक चाहिए, और ये इंग्लिश में रखते हैं और यहाँ पर सर्च में क्लिक करते हैं और हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों को जो कीवर्ड है वो 700 प्लस कीवर्ड यहाँ पर दिया है, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है, और 10 आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और इसका जो सीपीसी है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा सीपीसी मिलता है, और यहाँ पर कंपटीशन वेरी लो है। ठीक है, और बाकी सब कीवर्ड का जो डिटेल्स है वो यहाँ पर हम लोगों को नहीं देखा गया क्योंकि ये फ्री है। प्रो में अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों को देखा गया, कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ पर सर्च करके कितना कीवर्ड हम लोग यहाँ पर फाइंड किया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 700 प्लस, तो इसी को हम लोग यहाँ पर सॉन्ग लिरिक्स को यहाँ पर हम लोग एस्ट्रप के अंदर यहाँ पर सर्च करेंगे, एस्ट्रप के अंदर हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पर हम लोग डालेंगे इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इंडिया डाल दिया है। उसके बाद फाइंड कीवर्ड के अंदर क्लिक करते हैं, और इंडिया के अंदर हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो सॉन्ग है इसका जो लिरिक्स है इसका सर्च वॉल्यूम आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 10,000 प्लस सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ पर आप लोग ये वाला जो लिरिक्स है इसका बहुत ही इजी कंपटीशन है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। लिरिक्स वेबसाइट का कंपटीशन बहुत ही लो ही रहता है क्योंकि इसमें ज्यादा कंपटीशन है नहीं, इसमें कोई काम करना नहीं चाहता है, और बहुत सारा लिमिटेड वेबसाइट है गूगल के अंदर। मैं अगर सर्च करूंगा इसी लिरिक्स लिखकर, यहाँ पर मैं अगर सर्च करूंगा XXX सॉन्ग का लिरिक्स लिखकर, तो यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड वेबसाइट मुझे मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही लिमिटेड वेबसाइट है, देख सकते हैं यहाँ पर इस पेज के अंदर कोई भी वेबसाइट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर फिर आप इसके अंदर ही ये सारा वेबसाइट है, इसके अंदर एनालिटिक्स है, लेकिन दूसरा पेज के अंदर कोई एनालिटिक्स वेबसाइट है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस सॉन्ग के अंदर एनालिटिक्स लिखते हो तो बहुत ही ईजिली आप लोग यहाँ पर रैंक कर सकते हो गूगल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का काम कर सकते हो आप लोग, एनालिटिक्स वेबसाइट से काम कर सकते हो और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हो, और आपका जो सॉन्ग है वो टॉप में आएगा और आपका बहुत सारा विजिटर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इसके जो सर्च वॉल्यूम है वो भी बहुत सारा सर्च वॉल्यूम है, अलग अलग सॉन्ग का अलग अलग सर्च वॉल्यूम यहाँ पर मिलता है, आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारा सॉन्ग का लिरिक्स आया है, आप लोग ये सारा लिरिक्स को यूज कर सकते हो अपने वेबसाइट के अंदर। ठीक है, मैं वो सॉन्ग का लिरिक्स भी यहाँ पर है। ठीक है, ये सारा सॉन्ग का और भी ज्यादा वॉल्यूम आता है, जब सॉन्ग एक ट्रेंड में जाता है तो आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा जब सॉन्ग ट्रेंड में जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल है इसको भी यूज कर सकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारा कीवर्ड मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोग अलग अलग गाने का यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारा कीवर्ड रिसर्च करेगा,
उसके बाद यहाँ पर माउस को भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर इंटर कीवर्ड और यहाँ पर वेरीफाई करके फाइंड कीवर्ड में अगर क्लिक करोगे, यूनाइटेड स्टेट सिलेक्ट किया हुआ है ठीक है, फाइंड कीवर्ड के अंदर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कीवर्ड देगा। यहाँ पर वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, ऑर्गेनिक सीटीआर और यहाँ पर डिफिकल्टी आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर कौन सॉन्ग का कितना साइज वॉल्यूम है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर भी बहुत सारा देख सकते हो आपको कीवर्ड डाल दिया है, ये सारा सॉन्ग का आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर लिख सकते हो। और इसके बाद सीपीसी है, सीपीसी भी बहुत ज़्यादा हाई है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो इस सॉन्ग का जो है आप लोग यहाँ पर $2 सीपीसी आपको मिलता है, सीपीसी भी अच्छा खासा आपको मिलता है, और यहाँ पर टॉप पेज भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। कॉम्पिटिशन बहुत ही लो है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कॉम्पिटिशन बहुत लो है, और हम लोग ये जो लिरिक्स है इसका अगर सर्च करते हैं कितना वेबसाइट ने इसका लिरिक्स लिखा है, तो यहाँ पर यूट्यूब आ रहा है और ये वाला वेबसाइट के अंदर लिरिक्स आ रहा है, ये वाला के अंदर है देख सकते हो, ज़्यादा कुछ वेबसाइट के अंदर ये लिरिक्स वगैरह नहीं है, आपने यहाँ पर क्लिक देख सकते हो ज़्यादा वेबसाइट के अंदर लिरिक्स ये नहीं है। आप लोग अगर इजीली ये वेबसाइट के अंदर यूज़ करोगे तो आपको इजीली आप लोग गेन कर सकते हो गूगल के अंदर। इसके अलावा आप लोग उबर सर्विस को यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर अगर हम लोग कीवर्ड को डाल देते हैं और सर्च करते हैं तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर भी रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं ठीक है, यहाँ पर रिजल्ट आप लोग देख सकते हो, सर्च वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो, डिफिकल्टी और पेज डिफिकल्टी आप लोग बहुत ही ईजी बन रहा है, आप लोग यहाँ पर ईजिली यूज़ कर सकते हो ठीक है। और कौन सा वेबसाइट के अंदर कौन सा लिरिक्स यहाँ पर दिया हुआ है सारा यूआरएल भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बेसिकली कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हो इजीली और यूज़ कर सकते हो अपनी वेबसाइट के अंदर ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद बेसिक कुछ कीवर्ड रिसर्च आप लोग फ्री में कर सकते हो, फ्री में और भी एडवांस लेवल का कीवर्ड रिसर्च किया जा सकता है, वो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं फ्री में ही एडवांस लेवल का कीवर्ड रिसर्च आपको दिखा दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगर आप इस वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप जो यूनिक और यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।